दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए सीरीज के पांचवें मुकाबले में भारतीय टीम को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला के मैदान में खेले गए इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने ख्वाजा के शानदार शतक की बदौलत 50 ओवर में 272 रन का स्कोर खड़ा किया। भारत की तरफ से शमी और जडेजा ने 2-2 विकेट जबकि भुवनेश्वर ने 3 विकेट अर्जित किए। कोटला वनडे में मिली हार के साथ ही भारतीय टीम ने यह सीरीज 3-2 से गंवा दी है। भारतीय टीम को इस मैच में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। आज की इस वीडियो में हम आपको भारत के उन 5 खिलाड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो इस हार के गुनाहगार बने। आइए जानते हैं इनके बारे में। दोस्तों नंबर 5 पर है कुलदीप यादव। जी हां, भारतीय टीम के इस स्पिन गेंदबाज ने अपने 10 ओवर के कोटे में सबसे अधिक 74 रन खर्च किए। इस मैच में कुलदीप यादव को एक विकेट हासिल हुआ। इसी के साथ बढ़ते हैं चौथे गुनाहगार की तरफ। जी हां, मोहम्मद शमी। शमी ने इस मैच में शुरुआती ओवर में बेहद ही लचर गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। इस मैच में शमी ने 9 ओवर में 57 रन खर्च किए। इस मैच में शमी वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाए जिस प्रदर्शन की दर्शकों को उम्मीद थी। इसी के साथ आपको बताते हैं तीसरे गुनाहगार के बारे में। जी हां, शिखर धवन हैं। आपको बता दें पिछले मैच में शतक जड़ने वाले शिखर धवन इस मैच में मात्र 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। धवन ने इस मैच में 15 गेंदों का सामना करते हुए 2 चौके लगाए। और इसी के साथ आपको बताते हैं दूसरे गुनाहगार के बारे में। जी हां, विराट कोहली। आपको बता दें कोहली से इस मैच में प्रशंसकों को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन कोहली ने इस मैच में अपना बल्लेबाजी और अपनी कप्तानी से निराश किया। कोहली ने इस मैच में मात्र 20 रन का योगदान दिया। कोहली ने बतौर कप्तान कई चौंकाने वाले फैसले लिए। इन्होंने इस मैच में विजय शंकर से गेंदबाजी नहीं कराई। इसी के साथ आपको बताते हैं नंबर 1 के गुनाहगार को। जी हां, ऋषभ पंत हैं। भारतीय टीम का यह विकेट कीपर बल्लेबाज एक बार फिर से भारतीय टीम की हार का गुनाहगार बना। जी हां, ऋषभ पंत ने कई मौके इस मैच में गवाए। बल्लेबाजी में भी इन्होंने निराश किया और मात्र 16 रन बनाकर आउट हो गए। दोस्तों आपके हिसाब से भारत की इस हार का सबसे बड़ा गुनाहगार और जिम्मेदार कौन रहा है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।